ये जो है एचपी का मॉडल है, एचपी लैपटॉप 15 DU3563TU। इसमें इंटेल कोर i3 11 जनरेशन का प्रोसेसर दिया हुआ है, 512 GB सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD दी हुई है, ऑप्टिकल ड्राइव है नहीं इसमें, और 8 GB रैम है, और 15.6 का स्क्रीन है इसमें। और इसमें एक खास ये है कि काफ़ी सारे नए लैपटॉप में लैन RJ45 कनेक्टर का पोर्ट नहीं आता है, इसमें वो पोर्ट दिया हुआ है, इसके लिए ये मॉडल सेलेक्ट किया है। ये चार्जर दिया हुआ है, चार्जर इसमें 65 वाट का दिया हुआ है। और इसके अंदर है अपना प्यारा सा एचपी का ब्लैक कलर का लैपटॉप। इसमें विंडोज इनबिल्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस साथ में दिया हुआ है, होम एंड स्टूडेंट वर्जन। कोर i3 है, होम एंड स्टूडेंट वर्जन दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। पॉज करो। इसमें वैसे तो विंडोज 11 आया हुआ था, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी इसमें विंडोज 10 डाल के देने की, इसके लिए इसमें विंडोज 10 डाला हुआ है। इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, जब विंडोज 11 को डाउनग्रेड करते हैं या 11 जनरेशन के प्रोसेसर में जब विंडोज 10 डालने जाते हैं, प्रॉब्लम आती है, उसका अलग से वीडियो बना के सॉल्यूशन क्या है उसका अलग से वीडियो बना के अपलोड करेंगे।